to the next video of Accounts Adda. आज हमारे वीडियो नंबर 21 और वीडियो नंबर 21 में हम अपने वीडियो नंबर 20 को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि हमने वीडियो नंबर 20 में आधा टॉपिक छोड़ा था और वीडियो नंबर 21 में सारे टॉपिक को पूरा करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो नंबर 20 नहीं देखी तो गाइस पहले वीडियो नंबर 20 को जरूर देख लो। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गूगल, हमने कुछ एंट्रीज देखी थी और उस एंट्रीज के बेसिस पर हमने दो चार क्वेश्चन करे। एक बार सारी एंट्रीज को रिवाइज करते हैं एंड इन दिस वीडियो हम कुछ और एंट्रीज करेंगे जो कि पढ़ने के लिए जरूरी है। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज कि हमारी जो गुडविल होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है बुक की और एक होती है वैल्यू। अगर बुक की गुडविल है तो सबसे पहले उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म करते हैं, और उसको खत्म करने की क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी जितने भी पार्टनर है उन सबको डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट कि अगर पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर प्रीमियम लेके आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू प्रीमियम। अगर जब प्रीमियम आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गया। लास्ट प्रीमियम अमाउंट विड्रॉन, अगर प्रीमियम का पैसा जो इनको मिला वो लेके चले गए तो वो पार्टनर जो कि लेके गए हैं उनको डेबिट करो और बैंक या कैश को क्रेडिट कर लो। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था गाइस, इसको डीप में पढ़ना है तो एक बार वीडियो नंबर 20 जाके गो थ्रू करो। नेक्स्ट एक बार आगे जो हम बढ़ते हैं, कुछ और एंट्रीज पर बढ़ते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रीमियम मॉडल काइंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये टीएस देवान है, 2017 एडिशन में से मैं करा रहा हूं, कोई इशू नहीं है आगे पीछे एडिशन हो या कोई और बुक हो। देखो क्या टॉपिक है हमारा, बॉट इन काइंड, यानी कि पार्टनर जो प्रीमियम का पैसा लेके आया वो पैसा किसमें आया, काइंड में। अब काइंड का मतलब क्या है कि वो कैश नहीं लाया, काइंड का मतलब सिंपल सकता है कि वो कैश नहीं लाया, कैश के बदले में वो शायद एसेट्स ले आया या मोटरसाइकिल, मतलब किसी भी तरीके के एसेट्स लेके आया। तो सिंपल सी बात है, समझना, जब प्रीमियम लाता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू प्रीमियम। ये एंट्री क्यों होती है कि वो बैंक का पैसा चेक लाया होगा या कैश लाया होगा, अब वो इस चीज के एसेट्स ला रहा है तो यहां पे बैंक की जगह क्या आ जाएगा, उन एसेट्स का नाम आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी कि बैंक की जगह क्या आ गया, उन एसेट्स का नाम आ गया, बाकी सब सेम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सजन केस ऐसे वो एसेट्स लेके आया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी एसेट्स हो उन सबके नाम लिखने की करके उन सबका अमाउंट जोड़ के प्रीमियम, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही बताया, जब भी प्रीमियम का पैसा आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब भी प्रीमियम का पैसा आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिंपल। क्वेश्चन करें, लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर दिस, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन निकालते हैं। अपनी बुक खोलो जिनके पास टीएस ग्रेवाल है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीन पर जुगाड़ लगा देता हूं। तो गाइस जिनके पास बुक है वो पेज नंबर खोलेंगे, पेज नंबर 4.85 टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 330। एक ही क्वेश्चन है इसका, जिनकी बात नहीं है अपनी अपनी स्क्रीन पे देख लो, इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल से हमें एंट्री करनी है, उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करो, और अगर नहीं आता तो हम कहां है, हम यहां है, देखें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखो एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, एक्स और वाई दो पार्टनर है, वो वाई लोग अपनी कैपिटल लेते हैं 3:2 में, एक्स और वाई है 3:2 कैपिटल थी, अच्छा खासा काम चल रहा था। ऑन 1st अप्रैल दे एडमिटेड जेड, 1 अप्रैल को उन लोगों की मती मारी गई जो उन्होंने जेड को 1/4 शेयर के लिए कर लिया, ठीक है। क्या करा, जेड कंट्रीब्यूट एक्सेस टूवर्ड्स कैपिटल एंड फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। अब जेड जो भाई था वो अपनी कैपिटल के लिए भी एसेट्स लेके आया और गुडविल के लिए, यानी यहां वाली एंट्री में भी, कैपिटल वाली एंट्री में बैंक की जगह क्या आ जाएगा, ऐसे समझो इसको। देखो स्टॉक लेके आए 60,000 के, कैटल लेके 80,000 के,
लैंड लेके आया 1 लाख के, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ये 40 चीजें हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक साथ जनरल एंट्री करवा डाले सारे एसेट्स डेबिट, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट, कौन कौन है भाई सब्जेक्ट दो, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग नहीं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना है यहां पे। टू, अभी जो पैसा लाया है ये किस चीज के लिए लाया है, ये अपनी कैपिटल के लिए लाया है और प्रीमियम के लिए लाया है, तो हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री करते हैं। कौन है जेड, तो एक वो लाया है जेड अपनी कैपिटल के लिए और एक लाया है वो अपनी प्रीमियम के लिए, इसलिए ये दोनों चीजें क्या हो गई, क्रेडिट और एसेट्स क्या हो गए सारे डेबिट। ठीक है, अब पहले तो जीरो अमाउंट लिखे मैं लिख देता हूं साथ में, या भाई जगह की कमी हो या मेरा चेहरा कट रहा हो तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे देखें, बोर्ड ज्यादा जरूरी है। स्टॉक हो गए 60,000 के, डेटर हो गए 80,000 के, 1 लाख के लैंड हो गया, ठीक है, और फाइनली 40,000 की प्लांट एंड मशीन, ठीक है। टोटल देखें 1 लाख, 2,80,000, यानी कि भाई जेड है वो कितने 2,80,000 रुपए का सामान लाया। क्वेश्चन करते चलो, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन करते चलो, उन्हें पता है कौन सी जनरल एंट्री करनी है, यू जस्ट हैव टू डू द क्वेश्चन। देखो हमने पता लगाया कि जेड जो 4 एसेट्स लाया था इनकी कीमत 2,80,000। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई इसकी कैपिटल की कितनी है और प्रीमियम की कितनी है, ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई, 2,80,000 तो लाया, कैपिटल कितनी लाया है, प्रीमियम कितना लाया है, बताओ। देखें तो इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन में हमें आंसर मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ द सम इज वैल्यूड एट 6,50,000 रुपए, टोटल ऑफ द सम इज वैल्यूड एट 6,00,000 रुपए। अब यानी कि पूरी कंपनी की जो गुडविल थी वो थी भाई 6,00,000 रुपए, क्या बने उसको बुक की नहीं है, वैल्यूड है, वैल्यूड मतलब प्रीमियम वाली, 6,00,000 रुपए पूरी कंपनी की थी, तो जेड की कितनी है, जेड की कितनी है 1/4, यानी कि 6,00,000 जो कंपनी की गुडविल है उसमें से 1/4 का हिस्सा जेड का होना चाहिए, तो 1/4 निकाल लेते हैं, 1/4 दैट इज इक्वल टू 1,50,000, इतना हो गया 1,50,000, यानी कि जो 6,00,000 की गुडविल थी उसमें से 1/4 यानी कि जेड का शेयर था 1.5 लाख रुपए, तो वो 1.5 लाख का प्रीमियम लाएगा, तो 1.5 लाख का प्रीमियम लाए, तो प्रीमियम लाने के लिए क्या हो गई, कितने का प्रीमियम लाया हो, 1,50,000। अब बची हुई क्या होगी उसकी कैपिटल, 2,80,000 पहले, 2,80,000 रुपए के एसेट्स लाया जिसमें से 1.5 लाख की प्रीमियम है, तो 1,30,000 का क्या हो गया कैपिटल। क्वेश्चन बढ़ते जाओ, आंसर आता जाएगा, देयर इज नो इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप करते जाओ क्वेश्चन, आंसर जरूर निकलेगा 110%। अरे क्यों नहीं निकलेगा यार, एक बात सोचो, अगर क्वेश्चन इस किताब में है तो क्वेश्चन का आंसर भी अवेलेबल है, और इस दुनिया के जब इतने सारे बच्चे निकाल सकते हैं तो मैं किस खेत की बोली हूँ, उन्होंने भी तो यही जनरल एंट्री पढ़ी है, मैंने भी यही जनरल एंट्री पढ़ी है, फिर वो मुझसे अलग क्यों है। जस्ट अ सिंपल थिंग, कि हम जब क्वेश्चन उठाते हैं तो ये सोच के उठाते हैं कि वो नहीं है, और जब बाकी लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो वो ये सोच के उठाते हैं कि चलो एक और क्वेश्चन खत्म करते हैं। There's a difference in mentality, सिर्फ दिमाग का खेल है, अगर दिमाग बदलोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। एक 12 किलो का सिलेंडर हमसे नहीं उठता और 60 किलो की, ठीक है। सो गाइस देयर इज ऑलवेज अ थिंग इन माइंड, दिमाग से काम करो, दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे आंसर आएगा, दिमाग में नहीं लाओगे तो कभी नहीं आएगा। अभी करते अगला, हाँ भाई प्रीमियम का पैसा आ गया, तो हमने पढ़ा है कि जब भी प्रीमियम का पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर जब भी प्रीमियम का पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या थी, हेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिला। अब क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि न्यू रेशो क्या है, तो हम ओल्ड वाले को ही क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो गया 3:2, तो 1.5 लाख को 3:2 में हम बांट देंगे। 1.5 लाख को 3:2 में कैसे बांटते हैं, ये मैंने बताया है, आप भी देख लो, मैं सीधा सीधा यहाँ पे
लिख रहा हूं कैसे बांटते हैं, एक चीज देख लो, एक बता देता हूं कि भाई एक्स का बता रहा हूं टोटल 1.5 लाख, एक्स का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल कितना हुआ दोनों का 5, ये एक्स का आ गया। वाई का निकालना है तो 1.5 लाख इंटू 2/5। सो गाइस दिस इज इट, ये था हमारा ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये सिंपल सा था कि जब वो काइंड में लाते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली एसेट्स लेके आने और उनको दे देना है। हमें सिर्फ वैल्यू की बात करनी कि मैं 2,80,000 का सामान ले गया है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा काइंड वाला टॉपिक। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि वेन ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज बॉट, वेन ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज बॉट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब जो नया बटन आया है वो प्रीमियम का पूरा पैसा नहीं लाया भाई, थोड़ा सा ही लेके आया, यानी कि उसको लाने थे प्रीमियम के 5,000 और वो लाया 3,000। अब क्या करें, ये जो केस सिंपल सा है समझने वाली बात है, अकाउंट्स इज नथिंग बट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि आप क्या कर रहे हो then you can get the easily answer। समझ रहे हैं चीज क्या होती है, प्रीमियम का लाना था 5,000 और लेके कितना आया वो 3,000। प्रीमियम का मतलब क्या होता है ये मैंने पहले बताया वीडियो नंबर 20 में, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जो नुकसान पुराने पार्टनरों को झेलना पड़ेगा नए आके आने की वजह से, उस नुकसान के मुआवजे के लिए वो पैसा लेके आए। अब मुआवजा कितना लाना था 5, वो मुआवजा लाया कितना 3। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि 3 में दोनों समझ लो भाई कि अब 3 ही ला पाया मैं, नहीं क्यों नहीं, ऐसा अगर हमने कर लिया तो कल को तो बिल्कुल भी नहीं लाया। तो हमें क्या करना है, हमें लेने उससे 5 ही हैं पूरे के पूरे, लाया कितने वो 3 लाया, बचे 2,000 का क्या करें, और क्या लेके आया, और क्या लेके आया वो, और क्या लेके आया वो, ये भाई ये लेके आया है, क्या लेके आया है कैपिटल लेके आया है। तो बाकी जो 2,000 रुपए है वो हम कहां से निकालेंगे, इस भाई की कैपिटल में से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे इस भाई की कैपिटल में से निकाला जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन कि वो कैपिटल आया है तो भी हम कैपिटल में से निकालेंगे, ठीक है। तो जब प्रीमियम का कुछ पैसा थोड़ा सा ही पैसा लाया जाता है तो बाकी बचा हुआ सारा पैसा हम उसकी कैपिटल में से खींच के निकाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो भी कि भाई कैपिटल के 50,000 लाया, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कैपिटल का कुछ लाया है तो भी हम यही करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं हमारा एक, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 विवाद पेज नंबर 2.85, जिनके पास बुक है बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम है, बिल्कुल है, बच्चा सा है, हमें सिर्फ एंट्री का ध्यान रखना है, जहां जहां एंट्री हुई वहां वहां हम काम करते चलेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, देखो ए एंड बी अपार्ट में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। जगह की कमी है, क्या करें छोड़ो ये बिठाए जाओ, हाँ ऊपर लिखते हैं, वीडियो नंबर 21 है हमारी, ये वाली ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, दे एडमिट सी, सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल, सी कितना लाया 30,000 रुपए कैपिटल से लेके आया, अच्छी बात तो भाई लिया है, ठीक है। एंड अगर देखो ये अली से लाएंगे वो काम नहीं, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000, ये लाइन काम की, बस इसी लाइन का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन अगर पूरा समझ में आ गया यानी पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक समझ आ जाता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम क्यों आती है कोई एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती वो ही दिक्कत देती है। तो दिक्कत देने वाली ये चीज यही है, क्या है, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, यानी कि और क्या लेके आया वो 8,000 रुपए किसमें से आउट ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि फॉर गुडविल यानी प्रीमियम, प्रीमियम के उस भाई को लाने थे 10 पर वो कितने ला पाया 8। तो सिंपल सा है भाई, जो बचे 2,000 रुपए है वो इसकी कैपिटल में से हम खींच के निकाल लेंगे, कितने निकाल लेंगे 2,000, ठीक है, निकाल लेंगे एंट्री करेंगे। देखो
गुडविल बिफोर एडमिशन अपीयर्स इन द बुक इज 18,000 रुपए. गिव द जनरल एंट्री. हमें जनरल एंट्री करनी है. जनरल एंट्री इतनी जनरल है कि हम सबको आनी चाहिए. देखो भाई सीधी सी बात, पूरा क्वेश्चन एक बार आपसे देख लेते हैं. ए और बी को पार्टनर चूज टू वन में थोड़ा इधर आ जाते हैं. हाँ, कैपिटल है उनकी 30,000 रुपए और जो सी कैपिटल लाया है सी वो है 30,000 रुपए. जो भाई सी है उसको 10,000 का प्रीमियम लाना था पर वो किसी मजबूरी के कारण 8,000 का ला पाया तो हम 2,000 उसके कैपिटल में से खींचेंगे. आगे क्या है, जब सी का एडमिशन हुआ उस समय 18,000 की गुडविल किताब में पड़ी थी. किताब में पड़ी थी, किताब का मतलब बुक गुडविल, बुक गुडविल का मतलब. तो जब भी बुक की गुडविल होती है, बुक गुडविल, तो क्या होती है, सबसे पहले विदाउट एनी एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे. या ओल्ड पार्टनर कितने हैं, ए और बी. तो एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री करनी है. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओल्ड पार्टनर डेबिट होते हैं टू गुडविल. अपने किताबी गुडविल कितनी है, 18,000 रुपए. क्यों बांटिए, क्योंकि ये हक पुराने पार्टनर होता है, ये उन्होंने जनरेट किए, उन्होंने खरीदी थी तो उनको मिलेगी. खत्म हो गई मतलब. अब देखो गुडविल 18,000 रुपए बांटी इस रेशो में, ओल्ड ओल्ड कितना है 2:1. तो जो रेशो में जब ये बांटेंगे तो ये 12,000 और 6,000 आएगा. जिनको बांटना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो थोड़ी देर पहले गिरा. ठीक है, अब देखो तो बुक बढ़ गई, ये हो गया. अब क्या वो लाया कि कभी करते हैं, पहले लाया वो कैपिटल 30,000, कैपिटल लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन ले गया, सीज कैपिटल अकाउंट. कितनी लाया भाई, 30,000 की कैपिटल लाया, अच्छी बात, 30,000 रुपए लिया, लान दो. मेरी राइटिंग और मेरी भाषा चले तो यार ठीक है, माता मत मारे. आगे देखो, अब क्या गया, वो प्रीमियम लाया तो प्रीमियम लाने की एंट्री. अब यहां जाल समझना, ये खेल है सारा, ये माया जाल है. इस माया जाल से बचेंगे. देखो प्रीमियम कितनी लानी थी, 10, वो लाया कितनी, 8. इस एंट्री में क्या आएगा, 10 या 8 बताओ. ये एंट्री क्या रहती है, प्रीमियम ब्रिंग, प्रीमियम लेके आया, कितनी लाया, 8 लाया तो 8 है ना भाई. बैंक में कितने पैसे जुड़े, 8 जुड़े ना, तो बैंक में तो 8 ही जोड़ो, कोई बात नहीं 8 ही जोड़ो. अभी जब मिलेगा तब 10 मिलेगा, कैसे देखिए आया. अब जब भाई प्रीमियम आया है तो बढ़ना स्वाभाविक है, तो प्रीमियम बांट दो स्वाभाविक. प्रीमियम फॉर गुडविल, अब देखो यहां समझ कितना बढ़ेगा, 8,000 रुपए लेके आया था तो वो तो डेबिट में चले गए, यहां जगह कम है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. अब भाई देखो प्रीमियम लाना कितना है, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए और लाने हैं तो 2,000 रुपए और लेके आओ. कैसे लाओगे, उसकी कैपिटल में से लाएंगे. जब प्रीमियम भाई जो बटना था वो डेबिट हुआ तो कैपिटल के वो 2,000 रुपए भी तो प्रीमियम की तरह ही बटने, तो उसको भी क्या कर देंगे, डेबिट. यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 रुपए. और यहां बना दिया मैंने तारा, इस तारे का मतलब क्या है, डेफिसिट. मैं तुम्हें पेपर में नहीं बटना समझाने के लिए बता रहा, डेफिसिट यानी 2,000 रुपए का जो डेफिसिट रह गया था, प्रीमियम का पैसा नहीं लाया वो डेफिसिट कवर हो गया. देखो 10 हो गए पूरे, 8 प्रीमियम में से निकाले, 2 कमी पड़ गई तो कैपिटल में से निकाले, 2 इस चीज को मिलता है सैक्रिफाइसिंग. कुछ भी नहीं गिवन, न्यू रेशो भी नहीं गिवन है, सरेंडर अरेंडर कुछ भी नहीं गिवन है, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. अब फिर रोना, एक और प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम क्या आई, देखो प्रॉब्लम ये आई कि जो प्रीमियम का है ए को जो मिलेगा 10,000 × 2/3 कितना मिलेगा, ए को जब हम 10,000 को 2/3 में बांटेंगे तो ये चलेगा 6.6666. बी को जब मिलेगा तो उसका चलेगा 3.3333, मतलब चलता जा रहा है. इस कंडीशन में हमें क्या करना है भाई, 30 पैसे और 60 पैसे की बात है, तो हम क्या करते हैं, एक भाई को दे दो 7 रुपया, तो इसको बोलिया 6667 और अगले वाले को कितना मिलेगा, 3,333 रुपए. अब यहाँ चीज ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना, क्या होता है जनरली क्या कर देते, अब कोई बोलेगा भाई 6.6 था तो इसको ऐसे कर दो, हमने 7 क्यों लिखा, ये समझना इस बात को. ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो जनरल सबको आता होगा. यहां देखो यह टोटल 10,000 आ रहा है, अगर मैं इसका
रुपए का हिसाब अभी भी गड़बड़ा गया ना एक रुपए का हिसाब। इसलिए हमने क्या करा, इसको बना दिया 7 ताकि ये 7 और 3 10 हो जाए, इसलिए हमने बस इसको 7 बनाया। तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो इसको 6 करके इसको 4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रुपए हम जो क्या कहते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो एक रुपए का हिसाब से समझ गए। ठीक है गाइस, तो ये जो अपना है वो ये है कि जब पार्टनर जो होता है वो प्रीमियम का पूरा पैसा नहीं लेके आता तो हम क्या करते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक बिल्कुल फाइनल में खत्म कर रहा हूं, ज्यादा पटपट पटपट पट खत्म हो जाएगा। देखो सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग बात से ही समझ जाओगे कि क्या कर रहा है, क्योंकि हमने पुराना टॉपिक समझा था रखा नहीं था। देखो समझ जाओगे क्या कर रहा है, व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर प्रीमियम। यानी कि पिछले केस में था कि भाई पार्टनर जो था वो 5 में से 3 तो लाया, अब की बार तो 1 भी नहीं लाया, तो जैसा वहां करा था वैसे ही किया। यहां कर दो कि वहां 2,000 रुपए निकाल देते, यहां पूरे 5,000 रुपए हम कहां से निकाल लेंगे, फ्रॉम हिज कैपिटल। तो क्या होगा, टेकन फ्रॉम हिज कैपिटल, सारा पैसा उसकी कैपिटल में से खींच दो। अगर नहीं दे रखा कैपिटल कितनी है तो भी वही करना है, दे रखा है कैपिटल कितनी है तो भी हमें वही करना है। गाइस ये चीजें नहीं है, एंट्री आया है, इट्स लाइक डेली रूटीन कि भाई अगर प्रीमियम आया है तो वो बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, कैपिटल आया तो उसकी एंट्री होना स्वाभाविक है। पुरानी वाली गुडविल है, बुक की गुडविल है, तो वो भी ओल्ड रेशियो में जानी जानी है। जैसा हमारा डेली रूटीन होता है ना कि भाई सुबह उठना तो उठना ही है, कोई रोज आके बोलेगा नहीं, ये खाना खाना तो खाना ही है, कोई रोज आके बोला नहीं, हाँ सही। अब आपका डेली रूटीन खाने का है, सो कृपया करके खाना खाए, ये हमारा डेली रूटीन है, हमें पता ही नहीं ये करना ही करना है, सुबह इसका पीरियड है उसके बाद इसका पीरियड, ये नॉर्मल चीज है। तो वैसे ये एंट्रियां भी नॉर्मल है, हमें पता ही है तो करना ही करना है, फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे, पहले ये काम तो खत्म करो। ठीक है, तो क्या है सिंपल सा हमने देख लिया कि भाई सारा पैसा उसकी कैपिटल में से खींचा जाता है। इसके लिए क्वेश्चन करा लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग हैं जो बोलते हैं सर क्वेश्चन ढंग से कराया करो, आप क्या इजी से क्वेश्चन उठा लो। तो ठीक है भाई, टॉपिक तो सेम है, कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा के लिए एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन हम कराते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 37, समझदार है हम 37 कराएंगे। देखो ए एंड बी पार्ट में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। आपने मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा आपका क्वेश्चन, चलो चलो पढ़ दे रहा हूं। हाँ, ए एंड बी पार्ट में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी जो पार्टनर है 3/2 की कैपिटल है, और क्या है, देयर बुक शो गुडविल एट 2,000, बुक में जो किताब में गुडविल लिखी हुई है वो है 2,000 रुपए। अब भाइयों बहनों में हमने पहले भी बताया है कि स्वाभाविक काम क्या है कि गुडविल किताब की हो तो पुराने रेशो में जाना तो जार चली जाएगी। हाँ, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4, कौन है भाई, सी सी ना, हाँ सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 ईयर, सी भाई को लेके आए 1/4 के लिए, नया नया आया है अभी अभी। सी ब्रिंग 10,000 इज कैपिटल, जो कि भाई 10,000 रुपए कैपिटल से लेके आया। ठीक है, एंड इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 3,000 रुपए। 3,000 रुपए जो प्रीमियम के हैं वो भाई साहब नहीं लेके आए। गाइस देखो, या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक में, तो जरूरी नहीं है कि 3 जो बड़ा है वो बड़ा होगा, या कुछ नहीं फालतू की नेतागिरी दे रखी है कई जगह। ठीक है, तो मैंने सबसे छोटा वाला क्वेश्चन उठाया है, मुझे पता है कि मैं बड़ा वाला उठाऊंगा तो बोल तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। गाइस डरने की जरूरत नहीं है, लाइन में जाना है, पर टॉपिक बहुत सिंपल है, मैं जो अपना टॉपिक है उससे बेसिस पे बिल्कुल उठाया है, क्योंकि दीज आर द टॉपिक्स जो मैं यहां करा रहा हूं। तो देखें सिंपल सा है भाई, देखो सबसे पहला काम, किताब में गुडविल बढ़ेगी, पार्ट दो किस रेशो में बढ़ेगी, ओल्ड में, किन पार्टनरों को, ओल्ड को। देखो ए बी टू गुडविल, अब यहां में पूरा पूरा नहीं लिख रहा है, थक गया मैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखना पेपर में तो लिखना है, मान ही चलना। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल, 2,000 रुपए की गुडविल है, बार दो, ओल्ड रेशो 3:2 में कितनी, 1,200 और 800। छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती हो जाना यार, थोड़ा
अपना चला लिया करो, हम भी इंसान ही है। ठीक है, नाइस। देखो अगला क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं, देखो क्या होगी एंट्री। कैपिटल लाया, गिरा बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है? सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आ गई, कितनी गई? 10,000 कैपिटल लाया है, तो 10,000 की कैपिटल उसके अकाउंट में चले। आगे देखना, अब काम का खेल है। 3,000 का प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं लाया, तो जब भाई प्रीमियम तू नहीं लाया तो प्रीमियम लाने की एंट्री भी नहीं होगी। पर हमने बोला है कि प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होना तो कंपलसरी है, तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब प्रीमियम तो था नहीं, एक भी नहीं था, तो हमने सारा पैसा कहां से निकाला था? उसकी कैपिटल में से। तो भाई यहां पर प्रीमियम की जगह क्या आ जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन किन को मिल रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। गाइस सैक्रिफाइसिंग रेशो वाली वीडियो जरूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। छोटा है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं यार छोड़ो इजी है, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी चीजें समझाएंगे मैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब भाई पिछले वाले में जब वो थोड़ा सा पैसा लाता था तो प्रीमियम को बाकी पैसे से डेबिट करते, कुछ भी नहीं लाया तो प्रीमियम आएगा नहीं। 3,000 रुपए प्रीमियम के थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने हैं 3:2 में। 3,000 रुपए 3:2 में बटे तो हुए 1,800 और 1,200 रुपए। कितने कितने हुए? 1,800 और 1,200 रुपए। 1,800 और 1,200 रुपए इनको मिल गए किसके? प्रीमियम के। पर वो प्रीमियम लाया नहीं तो किसके नाम से मिले? उसकी कैपिटल के नाम से प्रीमियम का पैसा उनको मिल गया, यानी प्रीमियम का पैसा मिलना कंपलसरी है। अगर दे रखा है ठीक है, नहीं लाया तो कैपिटल में से निकाल छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 21। अगली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हिडन गुडविल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गुडविल। उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे, 3 या 4 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आया तो, बट क्योंकि 12th है रिस्क का मामला नहीं ले सकते। सो गाइस अगला टॉपिक देखेंगे हम वीडियो नंबर 22 में कि भाई हिडन गुडविल क्या है, यानी कि छुपी हुई गुडविल क्या है, और छुपी हुई गुडविल की छुपाई को कैसे खत्म करें, और उसको हम आइस स्पाइस कैसे किया जाता है। आइस स्पाइस बोलते ना, आई स्पाइस बोल रहे हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि हिडन गुडविल क्या है। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स, सॉरी टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा। और एक और प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, बिजनेस में प्रॉब्लम है तो माइंड योर ओन बिजनेस नाम के मेरे चैनल है, उनको जरूर गो थ्रू करना। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।